सजग नागरी टाइम्स में आपका स्वागत है। पुणे, नामदेव महाराज के पालकी उत्सव के दौरान अनियंत्रित जेसीबी घुसी, दो श्रद्धालुओं की मौत, 17 घायल। महाराज के पुणे में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नामदेव महाराज की पालकी उत्सव के दौरान निकल रही वारकरी यात्रा में एक अनियंत्रित जेसीबी घुस गई। इसकी चपेट में आने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटनास्थल पर टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हादसा जेसीबी का ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने अनियंत्रित जेसीबी को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक नामदेव महाराज की पालकी उत्सव पंढरपुर से आलंदी जा रही थी। इसी दौरान देवघाट के पास वारकरी यात्रा में एक जेसीबी अनियंत्रित होकर घुस गई। इस दौरान श्रद्धालुओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि जेसीबी के चपेट में आकर संत नामदेव महाराज के वंशज तुलसीदास नामदास महाराज 36 और अतुल अलाशी महाराज 24 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा जेसीबी की ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है।